हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी फ्रेंड्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं देव यादव हाजिर हूँ आपके बीच एक नई वीडियो लेकर। आज हम अपन लोग डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स पार्ट टू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अमेजमेंट होता है फ्रेंड्स, अमेज और मेंट, तो ये अमेजमेंट है आपका। अमेजमेंट मीन्स होता है चमत्कार, कोई चीज़ चमत्कार कर रही है तो क्या है अपने अमेजमेंट है, तो अमेजमेंट हो गया आपका चमत्कार। अगला है शौक। तो फ्रेंड्स शौक कब लगता है, जैसे हम किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाएं या ऐसी सिचुएशन आ जाए हमें जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की हो, तो उस सिचुएशन को देख के एकदम झटका सा महसूस हो उसे शौक कहते हैं। जिसे भारी क्षति होती है, आपको कोई नुकसान हो गया या को जिसकी भरपाई करना मुमकिन हो तो क्या हुआ, वो आपको शौक लगा है तो क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया, तो शौक क्या होता है, नुकसान। अगला है वंडर, WNDER, वंडर होता है फ्रेंड्स आपका घूमना। तो वंडर जैसे आप घूम रहे हो कहीं पे, वंडरफुल, वंडरफुल होता है शानदार, अच्छा। वो जो वंडर होता है वो किसी जगह को घूमने के लिए कहा जाता है। अगर आप घूम रहे हो कहीं पे, वॉकिंग टूर टूरिंग पे गए हो, वहाँ पे घूम रहे हो आप, तो घूमना हुआ है आपका वंडर। अगला है सरप्राइज। कोई ऐसी चीज़ फ्रेंड्स, जैसे कोई पर्सन है आपका फ्रेंड्स है, उसके बर्थडे पे आपने उसे सरप्राइज दी, तो ऐसी अचानक ही किसी चीज़ को ऐसा कर देना कि जिससे वो प्रभावित हो जाए या खुश हो जाए, तो वो क्या होता है, सरप्राइज होता है। जिसे देख के उसे ताज्जुब होने लग जाए, यानी कि जिसकी उसने कल्पना नहीं की हो, जिस सरप्राइज की, वो सरप्राइज आपने उसे दे दी तो ताज्जुब होना क्या हुआ, सरप्राइज। और अगला है सस्पिशियन। सस्पिशियन क्या होता है, शक। तो फ्रेंड्स इसमें दिया अमेजमेंट, अमेजमेंट का बताना है आपको चमत्कार। चमत्कार क्या होता है, ताज्जुब होना, तो उसमें कौन सा हुआ आपका, सी बिल्कुल सही है। अगला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, संगतता। किसी पर्सन के साथ रह रहे हो तुम, जैसे तुम्हारा दोस्त है, तो आपकी फ्रेंड्स मायने रखती है स्टडी, जैसे हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहिए जो आपको ऊपर उठाने का प्रयास करें। तो कंसिस्टेंसी होती है फ्रेंड्स संगतता, तो आपको ऐसे दोस्त चुनने जो आपकी संगति अच्छी होगी, जितनी अच्छी आपकी कंसिस्टेंसी होगी तो आप उतनी जल्दी सफलता प्राप्त करोगे। यानी कि आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देने वाले पर्सन होने चाहिए। तो पॉजिटिव एनर्जी कौन देंगे, जो आपके अच्छे दोस्त होंगे, जिनकी संगति अच्छी होगी, जैसे आपकी संगति। तो कंसिस्टेंसी क्या हो गया, संगतता। और अगला है फ्रेंड्स कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी होता है वफादारी, कॉन्स्टेंसी, CONSTENCY, कॉन्स्टेंसी हो गया वफादारी, वफादारी क्या हो गया, कॉन्स्टेंसी। अगला है कम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस होता है आपका कम्पिटेंस, कम्पिटेंस हो गया आपका योग्यता के लिए किया जाता है, क्या योग्यता कितनी है आपके अंदर, ये आपकी वैल्यूएबल को कौन जापता है, कम्पिटेंस। तो योग्यता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कम्पिटेंस। अगला है परमानेंस। किसी जैसे फ्रेंड्स परमानेंट वर्ड तो सुना ही होगा, जैसे कि कोई पर्सन कहीं पर जॉब कर रहा है, वहाँ पे वो परमानेंटली एडेड हो गया, यानी कि परमानेंटली वो कंपनी का सदस्य बन गया, फॉरनर बन गया। तो परमानेंस होता है स्थायित्व, किसी चीज़ को परमानेंट तो स्थायी होना होता है, और परमानेंस होता है आपका स्थायित्व। तो परमानेंट फ्रेंड्स क्या होता है, परमानेंट तो आप जानते होंगे स्थायी हो गया वो पर्सन वहाँ पे, और परमानेंस है तो कहाँ का हो गया, स्थायित्व, उसका स्थायित्व क्या है, परमानेंस। अगला है यूनिफॉर्मिटी, अनइफॉर्मिटी बोल सकते हैं। अनइफॉर्मिटी क्या होता है, अन एक समानता, अनइफॉर्मिटी क्या हुआ, एक समानता। तो अनइफॉर्मिटी को बोल सकते हैं हम, एक समानता है कोई वर्ड, तो अनइफॉर्मिटी हो गया वो। अगला है इलेक्ट्रीफाइंग। इलेक्ट्रीफाइंग होता है रोमांचक, रोमांचक क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइंग। अगला है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्या होता है, आकर्षक होता है, जैसे कोई चीज़ इतनी आकर्षक है जिसे देख के आपको खुशी होती है या कि रोमांच महसूस होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव। और फ्रेंड्स फियरसम, फियर होता है डरावना, सम होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है जिसे कि आप डर जाते हैं, जो कि भयंकर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, भयंकर। तो फियरसम क्या हुआ, भयंकर। फियर कुछ समय के लिए महसूस करूँ, डरावनी जैसे महसूस कर रहे हो, सम कुछ समय के लिए महसूस कर रहे हो, कोई घटना ऐसी होगी तो क्या होगी, वो घटना कैसी होगी, भयंकर होगी।
एक्साइटिंग होता है फ्रेंड्स रोमांच, किसी एक्साइटमेंट तो जानते होंगे आप, उत्तेजित होना। और फ्रेंड्स एक्साइटमेंट से मिलके बना है, एक्साइटमेंट होता है उत्तेजित होना और एक्साइटिंग होता है रोमांच करना। रोमांचक, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है वो कैसा है, रोमांचक है। तो बोल सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच कैसा था, आज का इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक्साइटिंग था, यानी कि रोमांचक भरा हुआ था। अगला है डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग होता है अशांत, DISTURBING। डिस्टर्बिंग हो गया आपका अशांत, क्या हो गया अशांत। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रीफाइंग का, रोमांचक का क्या हो गया एक्साइटिंग। एक्साइटिंग आपका इसमें कौन सा है, सी। फ्रेंड्स अगर इसमें रोमांचक दिया हुआ है इसलिए से हम एक्साइटिंग लगाएंगे, अगर एक्साइटिंग ना होता तो हम यहाँ पे रोमांचक से आकर्षक भी कर सकते थे, अगर एक्साइटिंग ना होता तो। अगला है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी होता है अत्याचार, क्या होता है अत्याचार। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी हो गया आपका अत्याचार। और ईवी, एनवी हो गया आपका ईर्ष्या करना, किसी पर्सन से आप ईर्ष्या करते हो यानी वो पर्सन आपको पसंद नहीं है, तो ईवी हो गया आपका ईर्ष्या करना, उस पर्सन के प्रति ईर्ष्या करना। अगला है वायोलेंस। वायलेंस होते हैं दंगे फसाद, जैसे अक्सर आए दिन दंगे फसाद हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, वायलेंस होते हैं आपके दंगे फसाद। जैसे बोल रहे हैं कि मेरठ में दंगा हुआ था अभी, तो बोल सकते हैं वायलेंस दंगा। जीलसी होता है फ्रेंड्स असंगतता, किसी की असंगतता है, जैसे आपकी संगति बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो आपकी संगति अच्छी नहीं है, असंगत हो, जैसे ऐसे लोगों के पर्सन के साथ रह रहे हो जो आपको ऊपर उठाने का प्रयास करें, लेकिन आप तो ऐसे पर्सन के साथ हो ही नहीं, तो क्या है जीलसी है, असंगतता है आपकी। और अगला वर्ड है एब्जर्डिटी। एब्जर्डिटी, ABSURDITY, एब्जर्डिटी। एब्जर्डिटी हो गया आपका अनर्थकता। अनर्थकता क्या होती है एब्जर्डिटी, तो अत्याचार का अनर्थकता, असंगतता, दंगा, ईर्ष्या करना। अत्याचार होता है फ्रेंड्स आपका अनर्थकता, इसमें लगा सकते हैं एब्जर्डिटी, आपका सही आंसर होगा। तो 112 का आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। एट्रोसिटी का जो सिनोनिम्स है वो क्या है, अनर्थकता, एब्जर्डिटी यानी कि अत्याचार, अनर्थकता। अगला है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई होता है मजबूत, सुदृढ़ करना, कोई चीज़ मजबूत है, फोर्टिफाई है, तो हम बोल सकते हैं FORTIFY, फोर्टिफाई यानी कि मजबूत, सुदृढ़ करना। अगला है आपका क्रिएट। क्रिएट होता है आपका उत्पन्न करना। क्रिएट क्या होता है, उत्पन्न करना, जैसे कोई पर्सन है क्रिएट कर रहे हो, किसी चीज़ को तुमने बनाई, आविष्कार किया, तो क्रिएट किया। और जनरेट होता है फ्रेंड्स पैदा करना, जैसे हमने फसल बोई, बीज बोया तो फसल आई, ऐसी वो क्या हुई, वो जनरेट हुई है। तो फ्रेंड्स क्रिएट उत्पन्न करना होता है, जनरेट किसी चीज़ को पैदा करना होता है, क्या होता है पैदा करना। और प्रोहिबिट होता है निषेध करना, जैसे कई एरिया होते हैं उन पे लिखा होता है, जैसे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, तो वहाँ पे जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, निषेध है, तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। तो धूम्रपान जिस जगह पे निषेध होता है उस जगह पे भी तो लिखा होता है प्रोहिबिटेड, तो प्रोहिबिटेड हो गया आपका निषेध करना। अगला है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन होता है मजबूत होना। मजबूत होना क्या हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। अगला है पैसिफाई। पैसिफाई होता है शांत करना, क्या होता है शांत करना, किसी पर्सन को शांत कर रहे हो आप, तो क्या कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो। अगला है काम डाउन। काम डाउन शांत, कैम शांत हो गया, डाउन नीचे, तो शांति क्या हो गया, काम डाउन शांत हो गया। अगला है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई होता है संतुष्टि भी होता है और आपूर्ति करना, जैसे तुम्हारी इच्छाएं हैं उतनी आप आपूर्ति कर पा रहे हो तो आप क्या हो, सेटिस्फाई हो, यानी कि जितने सोर्स हैं उन सोर्सों से आप अपनी इच्छाओं की आपूर्ति कर पा रहे हो, अपने संसाधन हैं वो इकट्ठे कर पा रहे हो, तो सेटिस्फाई क्या हो गया, आपूर्ति करना, जिनकी सोर्सों की ज़रूरत है आपके पास वो सोर्स मौजूद है तो आप सेटिस्फाई हो। राउज होता है उठाना, भड़काना, कोई पर्सन है उसे आपने
भड़का दिया, राउज, सपोज दैट किसी दूसरे पर्सन के प्रति आपने भड़का दिया कि वो तेरे बारे में ऐसा बोलता है या ऐसा कहता है, और उसे पर्सन में आपके प्रति बिलीव हो, तो आपकी इस बात को सुनकर वो भड़क जाएगा। तो राउज होता है भड़काना, क्या होता है राउज होता है भड़काना, और रिजॉयस, रिजॉयस होता है आनंदित होना, जॉयस होता है आनंद और रिजॉयस आनंदित, तो रिजॉयस हो गया आनंदित होना। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स मैंने आपको एंटोनियम सिनोनिम्स एक कहानी के प्रति या कोई इमेज के प्रति आपके सेट किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।